हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस में आप सभी को स्वागत है। हम आप लोगों को भूगोल का सीरीज करा रहे हैं बिहार शिक्षा भर्ती 2023 के ध्यान में रखते हुए। हमने तीन करा चुके हैं, आज हमारा चौथा है। तो हम चौथा का पहला प्रश्न देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट के नाम हैं। तो आप इसका आंसर देखेंगे तो ये कोरोमंडल हो जाता है। अब हम मैप से देखते हैं, ये हमारा भारत हो गया। इधर देखिएगा तो आपको अरब सागर मिल जाएगा और इस साइड में आपको बंगाली खाड़ी मिल जाएगा। ये देखेंगे तो आप लोग का बंगाली खाड़ी है और ये हो जाता है अरब सागर। और अब इस साइड में आप देखिएगा भारत के, तो इसे हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। और इस छोर को देखिएगा आप तो हो जाता है पूर्वी घाट। तो आप देखेंगे हमारा समुद्र यहाँ से लगता है, गुजरात से समुद्रीय सीमा भारत के लगता है। गुजरात से आप आएंगे तो पश्चिम बंगाल तक मिलेगा। तो इसी तरह से हमारे तटों को बंटवारा किया हुआ है। तो भाई हम देखते हैं सबसे पहले पश्चिमी तट पर कितनी तट है और क्या क्या उसका नाम है। तो हम पश्चिमी तट पर सबसे पहले देखते हैं, तो आप देखेंगे गुजरात से महाराष्ट्र तक आइएगा तो इसको बोलते हैं काठियावाड़ का तट है। इसके नीचे आप महाराष्ट्र से गोवा तक आइएगा तो इसको बोलते हैं कोकण तट। और गोवा से आप आ जाइएगा, गोवा से कर्नाटक तक, गोवा के तट, गोवा और कर्नाटक तक आइएगा तो आपको इसको बोलते हैं कन्नड़ तट। और कर्नाटक से आप नीचे तमिलनाडु तक, यहाँ तक आप आइएगा तो इसको बोलते हैं मालाबार। ये हमारे चार तट तो पश्चिमी घाट पर है। और चारों तट को आप देखेंगे तो गुजरात से महाराष्ट्र तक हो जाता है काठियावाड़ या इसको काकड़ापाड़ा तट बोलते हैं। ये सबसे लंबी तट है भारत के समुद्री सीमा के तटीय के बारे में बात करेंगे तो आपको काठियावाड़ या काकड़ापाड़ा सबसे बड़ा तट होता है। इसके बाद आप महाराष्ट्र से गोवा तक आइएगा तो उसे कोकण तट बोलते हैं। और गोवा से कर्नाटक तक आइएगा तो उसे कन्नड़ तट बोलते हैं। और कर्नाटक से आप आ जाइएगा नीचे यहाँ तमिलनाडु तक तो इसे मालाबार तट बोलते हैं। अधिकांश सबसे ज़्यादा मालाबार तट का विस्तार केरल में है। और भारत में जब मानसून आता है ना, जैसे अभी आप देखे होंगे पेपर ऊपर में, तो सबसे पहले मानसून मालाबार तट से ही टकराता है और केरल में ही प्रवेश करता है। मानसून आपका मालाबार तट से टकरा के ही भारत में प्रवेश करता है। और भारत के सबसे पहला राज्य ऐसा है जहाँ केरल है, यहाँ प्रवेश करता है। बहुत बार एग्जाम में भारत के पूछा हुआ है कि सबसे पहले मानसून किस राज्य में प्रवेश करता है, तो आप लोग देखेंगे तो केरल हो गया। ये तो हमारा हो गया पश्चिमी तट के बाद। अगर पश्चिमी तट का आप लंबाई देखेंगे पूरा पश्चिमी घाट का, तो लगभग 1600 किलोमीटर है। और ये लगभग 5 राज्यों में फैला हुआ आप देखेंगे तो गुजरात हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, 5, 1, 2, 3, 4, 5। और इसका थोड़ा सा मिलता है तमिलनाडु पर, कहें तो 6 तट मिलता है। पश्चिमी घाट का विस्तार 6 राज्यों में है। तो आप देखेंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और इस भारत का जो तमिलनाडु है सबसे दक्षिणी छोर है उसका, वहाँ तक भी मिलता है पश्चिमी घाट का विस्तार। अब हम देखते हैं पूर्वी घाट। ये हमारा हो गया पूर्वी घाट। अगर आप पूर्वी घाट का देखेंगे तो तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश को हम बोलते हैं कोरोमंडल तट।
ये हमारा हो गया कोरमंडल तट, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक, और आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक आप जाइएगा तो इसे उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। आपको पश्चिमी घाट पर दो तट मिलता है दो नाम से, और आप देखेंगे तो भारत के लौटते मौसम जो है कोरमंडल तट से टकरा के तमिलनाडु में मानसून करवाती है, इसे हम बोलते हैं पश्चिमी पूर्वी पश्चिमी मानसून, और ये ठंडे के दिन में अक्टूबर नवंबर में यहाँ बारिश होता है, और इसका भी लगभग लंबाई हो जाता है 1600 किलोमीटर लगभग देखिएगा तो, और इसका विस्तार देखिएगा तो ये पश्चिमी तट, अगर पूर्वी तट का विस्तार की बात करें तो पूर्वी तट आपका हो जाता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, थोड़ा सब पश्चिम बंगाल तक ही इसका विस्तार मिलता है, लगभग चार राज्यों में फैला हुआ है। तो ये हमारा हो गया पहला प्रश्न, और इसका आप आंसर में देखें ऑप्शन में देखेंगे तो ये हो गया केरल का तट, इसको बोलते हैं, ये उड़ीसा राज्य का पर है पूर्वी तट पर है, और ये हो जाता है गोवा से कर्नाटक तक। तो इसमें से हमारा तीन तट जो है दो तट जो है पश्चिमी घाट पर और दो है ऐसे पूर्वी घाट पर है। ये हमारा हो गया पहला प्रश्न, अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ बीपीएससी और बिहार दरोगा की भी तैयारी होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन भी, स्पेशली 69 बीपीएससी को ध्यान में रख के तैयारी कराया जा रहा है, तो आप लोग ज्वाइन करेंगे और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी। हम देखते हैं कथा कि दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है, तो इसका आप आंसर देखिएगा तो मध्यवर्ती हो जाता है, अगर इसे आप मैप से देखेंगे ये हो जाता है हमारा भारत का मैप। ये हमारा भारत का मैप है, और आप दंडकारण्य को देखिएगा तो इस क्षेत्र में है, सबसे ज़्यादा इसका विस्तार हो जाता है छत्तीसगढ़ में, बहुत बार पूछा हुआ है कि दंडकारण्य जो मैदान है या दंडकारण्य का पठार है भारत के किस राज्य में इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है, तो अब ये झारखंड में हो जाता है, फिर छत्तीसगढ़ इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है, इसके बाद देखिएगा तो झारखंड हो जाता है और फिर उड़ीसा हो जाता है, इसका थोड़ा सा भाग इस साइड में मध्य प्रदेश में भी मिलता है। तो आपको सिर्फ ये पूछेगा किस भाग में है दंडकारण्य या इसमें किस राज्य में सबसे ज़्यादा विस्तार है, ये पूछा हुआ है या स्पेशली बिहार दरोगा में एक बार पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं हम खुद दिए हैं तो हमें याद है। हमारा अगला प्रश्न है तीसरा, मेघालय का पठार भाग है, तो इसका आप देखेंगे आंसर तो मेघालय का पठार जो है ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, तो इसका हम मैप से देखते हैं, ये हमारा मैप हो गया, ये आप देखेंगे तो मैप है, और अगर प्रायद्वीपीय भारत का देखिएगा भाग तो लगभग ऐसे है, और ये जो मेघालय का पठार है ना इसको मालदा गैप राजमहल के पहाड़ी से अलग करती है। ये मालदा गैप जो है मेघालय के पठार को दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत से अलग करती है, यहाँ पर राजमहल का पहाड़ी है इससे ही अलग करती है। कहा जाता है कि जब यहाँ पर भारत का विस्तार हो रहा था पश्चिम पूर्व सॉरी उत्तर की ओर, तो ये बीच में यहाँ पर बंगाल के खाड़ी वाला क्षेत्र आ गया था जिसके वजह से यहाँ पर गैप आ गया, और गैप के वजह से मालदा गैप से अलग हो गया। अगर आप देखिएगा मेघालय के पठार का तो इसको तीन भाग में देखते हैं, गारो, खासी और जनतिया, ये तीन पठार चोटी है इस मेघालय का पठार का, और इसमें आप देखेंगे तो खासी पर मेघालय का राजधानी शिलोंग है, और आप देखेंगे तो अगर भारत में सबसे ज़्यादा बारिश के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा मेघालय में ही होता है, और यही ये तीनों चोटी पर सबसे ज़्यादा बारिश होता है। अगर आप हिमालय के बारे में बात करते हैं तो हिमालय का श्रेणी जो है ये उत्तर में है भारत का इस टाइप से, अगर हिमालय के श्रेणी के बारे में बात करें तो ये धनुष के आकार की दिखता है, और हिमालय के बहुत
बहुत सारा इसका महत्व है। यहाँ से आपको सदाबहार नदियाँ देखने को मिलेगा, जो सालों भर वर्षा होता है। आपको यहीं ऊंची ऊंची चोटियाँ देखने को मिलेगा, यहाँ तक जैव विविधता भी सर्वाधिक यहाँ मिलेगा। आपको पेड़ पौधे भी मिलेंगे और यहाँ पर आपको बहुत सारे औषधीय पौधे भी मिलते हैं। बहुत सारा महत्व है। अगर हम कहें तो ये हिमालय का महत्व के बारे में, तो हिमालय की जो है हमारे भारत को रक्षा करती है। अगर इसे बोले तो ये आंतरिक सुरक्षा प्रदान करती है हिमालय भारत को। और हिमालय की वजह से हमारे देश में जलवायु में भी विविधता पाया जाता है। ये हमारा हिमालय हो गया। आप ये देखेंगे पूर्वी घाट, तो हमारा पूर्वी घाट इस क्षेत्र में हो जाता है। इस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी है और ये हमारा पूर्वी घाट हो गया। अगला आप देखेंगे तो सतपुड़ा का श्रेणी, तो सतपुड़ा का श्रेणी हमारा ये हो जाता है। और सतपुड़ा के उत्तर में जाइएगा तो आपको विंध्यन मिल जाएगा। ये विंध्यन है। और सतपुड़ा के नीचे आइएगा तो आपको अजंता मिल जाएगा। और ये कैसा पर्वत श्रेणी है जिसका विस्तार सिर्फ एक ही राज्य में, जिसे जो अजंता है ये सिर्फ महाराष्ट्र में इसका विस्तार है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप देखेंगे अजंता और सतपुड़ा के मध्य तो ताप्ती नदी प्रवाहित होती है, जो दोनों को विभाजित करती है। इसी तरह से अगर आप विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य देखिएगा तो नर्मदा नदी बहती है। ये नर्मदा नदी और सतपुड़ा दोनों एक समांतर होकर बहती है और ये दोनों पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, अरब सागर में गिरती है। अगर हिमालय के बारे में बात करें तो सतपुड़ा और विंध्याचल दोनों भी एक दूसरे के समांतर ही है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। हमारा चौथा प्रश्न है, देखेंगे तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो इसका ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आपको मिलेगा केटू। अगर हम केटू का बात करें तो ये हमारा हिमालय हो गया, वहाँ देख लीजिए। अगर केटू का विस्तार देखेंगे तो केटू आपको काराकोरम में मिलेगा। ये हमारा काराकोरम श्रेणी हो गया। और काराकोरम जो श्रेणी है ये ट्रांस हिमालय का भाग है। और भारत की अगर बात करें तो सबसे उत्तरी हिमालय श्रेणी है जो काराकोरम है। और काराकोरम में आपको सियाचिन ग्लेशियर मिलेगा। अगर सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बात करें तो इसकी चौड़ाई 76 किलोमीटर है। और ये भारत के सबसे चौड़ी या सबसे लंबी ग्लेशियर कहा जाता है इसको। और इसे अगर बात करें पूरे विश्व में तो विश्व में इसका दूसरा स्थान आता है लंबाई क्षेत्र में। और इसी तरह से अगर आप हम काराकोरम के नीचे आएंगे आप तो आपको लद्दाख का श्रेणी मिलेगा। और लद्दाख से नीचे आइएगा तो आपको जास्कर श्रेणी मिलेगा। ये तीनों श्रेणियां ही आपको ट्रांस हिमालय का ही भाग है। और ट्रांस हिमालय का एक भाग यहाँ पर आपको तिब्बत में मिलेगा, कैलाश पर्वत, ये भी ट्रांस हिमालय का ही भाग है। अगर हम केटू का बात करें तो अगर केटू का अगर ऊंचाई में बात करें तो इसका ऊंचाई हो जाता है 8,811 मीटर। और अगर इसे विश्व में ऊंचाई के मामले में देखिएगा तो इसको दूसरा स्थान आता है। अगर भारत में देखिएगा तो ये प्रथम स्थान पर है। ये हमारा पीओके में पड़ता है और पीओके पर अभी पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन भारत अभी भी इसका अपना अंग ही मानता है। अब आप कंचनजंगा को देखेंगे तो कंचनजंगा भी भारत का सर्वोच्च चोटी में गिनी जाती है। अगर भारत का सर्वोच्च चोटी में कंचनजंगा को देखेगा तो अभी जो वर्तमान में मुख्य भूमि है उसमें बोला जाता है कि कंचनजंगा है, क्योंकि इस पर तो अभी पीओके का है कब्जा। तो ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन भी कराया जाएगा। तो आप कंचनजंगा की ऊँचाई में बात करेंगे तो पूरे विश्व में तीसरा स्थान आता है। और भारत में देखिएगा तो इसका दूसरा स्थान आता है अगर पीओके के शामिल करते हैं तो। इसी तरह से अगर आप और इसका ये जो चोटी है सिक्किम में है। अगर उसका इसका ऊंचाई की बात करिएगा तो इसका ऊंचाई 8,500 कुछ है। और इसी तरह से आप नंदा देवी और देखिएगा तो ये हमारे उत्तराखंड में है और ये उत्तराखंड का सबसे ऊंची चोटी है।
ये उत्तराखंड के सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसको भारत में देखेंगे तो इसका भारत में तीसरा स्थान है सबसे ऊंची चोटी में। और एवरेस्ट के बारे में बात करें तो एवरेस्ट हमारा एवरेस्ट हो जाता है सबसे ऊंची चोटी इसका। ये तो पूरी विश्व में इसका सबसे ज़्यादा चोटी का लंबाई है। इसका आप लंबाई की बात करेंगे तो आपको इसका लंबाई 8,848 मिल जाएगा मीटर में। और ये हमारा नेपाल में है। अगर हम हिमालय श्रेणी में बात करें तो ये तीन हिमालय चोटियाँ जो है ये तीनों आपको बृहद हिमालय में मिलेगा। और ये हमारा एक जो है केटू जो है आपको ट्रांस हिमालय मिलेगा। अब हम आपको चौथा पांचवा प्रश्न देखते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है हिमालय का पर्वत प्रदीय प्रदेश है। अगर इसका आप आंसर देखेंगे तो इसका आंसर आप लोगों का बी होगा, शिवालिक, शिवालिक श्रेणी है। अगर हम आपको हिमालय के श्रेणी के बारे में बात करें, मान लीजिए हमारा हिमालय हो गया, भारत हो गया, तो अगर आप हिमालय देखिएगा तो ये हमारा हो जाता है बृहद हिमालय। यहाँ पर आपको ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र मिलेगा जिसमें आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये तीनों श्रेणी जो है आपको ट्रांस हिमालय का। और बृहद हिमालय का बात करते हैं तो इसका विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। इसका सबसे पूर्वी हिमालय के बाद में बात करिएगा तो ये नामचा बर्मा है। ये बृहद हिमालय का पूर्वी सबसे पूरा में स्थित ऊंची चोटी है इसका। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखिएगा जम्मू कश्मीर में तो इसको हम बोलते हैं नागा पर्वत। ये हमारा हो जाता है जम्मू कश्मीर में। ये तो आप बृहद हिमालय देख लिए। और बृहद हिमालय के नीचे आपको मिलेगा लघु हिमालय। आपको लघु हिमालय का सबसे उत्तरी छोर आपको मिलेगा पीर पंजाल। और इसका विस्तार आपको लगभग पूरा में देखने को मिलेगा। और इसके आप देखेंगे तो सबसे उत्तर में आपको ट्रांस हिमालय मिल जाएगा। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में देखिएगा तो आपको बृहद हिमालय है। और बृहद हिमालय के अगर दक्षिण में आप देखेंगे तो आपको लघु हिमालय मिलेगा। और लघु हिमालय के नीचे आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा शिवालिक। और शिवालिक के दक्षिण में आप लोग आएंगे तो आपको मैदान मिल जाएगा। और इस मैदान के अगर निर्माण के बारे में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण निर्माण हिमालय का ही है, हिमालय का ही देन है। क्योंकि हिमालय से जो भी नदियां निकलती है सब अपने साथ गाद और हिमालय के निक्षेपण करती है। हिमालय से निक्षेपण करके गाद और मृतका लाती है जिससे हमारे मैदान का निर्माण होती है। आप तो ये देख लिए शिवालिक का, बृहद हिमालय आप देख लिए, आपको हम बता दिए। अब हम आपको अरावली बताते हैं। मान लीजिए हमारा ये भारत है तो अरावली हमारा ये हो गया। अरावली का अगर विस्तार देखेगा तो आपको गुजरात से दिल्ली तक मिलेगा। और दिल्ली में जो रायसीना के पहाड़ी जो है अरावली पर ही स्थित है। और रायसीना के पहाड़ी पर ही हमारे भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। अगर आप और देखिएगा अरावली के सबसे ऊंची चोटी तो आपको गुरु शिखर मिल जाएगा जो राजस्थान में है। और ट्रांस हिमालय भी आपको हम बता दिए। अब हम अगला प्रश्न आते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ पर कितना अभी क्या सुधार करना चाहिए या फिर क्या कैसा क्वेश्चन चाहिए आप लोग बता सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो इसका आप आंसर देखिएगा तो इसका आंसर आप लोग का अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आंसर तो इसका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। मैप से आप लोग देखिएगा, यह हमारा उत्तरी पूर्वी भारत हो गया। अगर आप म्यांमार के सीमा के बात करेंगे तो आपको यहाँ तक मिल जाएगा। तो आप ये सबसे उत्तर में देखिएगा तो अरुणाचल प्रदेश है। और फिर आपको अगर सीमा में बात करें तो इसका सीमा मणिपुर से लगता है, नागालैंड से लगता है।
मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। ये हमारे चार राज्यों से हमारे म्यांमार की सीमा दिखता है। आप लोग सीक्वेंस में देख लीजिएगा, लेकिन चार राज्य से हमारा सीमा लगता है म्यांमार का। और इसमें सबसे ज़्यादा आपको ये लगेगा अरुणाचल प्रदेश। अगर सीक्वेंस में बात करिएगा तो आपको मणिपुर यहाँ आ जाएगा। और अगर मणि इसका सीमा की लंबाई के बाद बात करें तो इसका लंबाई आ जाएगा आपको 43 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। अगर आप अगर म्यांमार के बात करेंगे सीमा निर्धारण का, तो सीमा निर्धारण कोई ऐसे समझौता या ऐसे नहीं किया गया है। हमारे म्यांमार के सीमा निर्धारण प्राकृतिक पर्वतों द्वारा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं पटकाई भूम, नागा, मिजो, ये हिमालय है जो हमारे भारत और म्यांमार के सीमा निर्धारण करता है। ये चारों ऑप्शन में तो आपको मिल रहा है, चारों ही हमारे सीमा साझा करते हैं। इसमें आप देखेंगे मिजोरम का, तो इसका बांग्लादेश से भी सीमा लगता है। और अरुणाचल प्रदेश के बात करिएगा तो इसका चीन से भी सीमा लगता है। और हमारे भारत और चीन के सीमा कहा जाता है मैकमोहन सीमा, लेकिन अगर आप मैकमोहन के बारे में देखिएगा तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश से ही लगता है। पूरे अगर भारत के बारे में बात करें, भारत और चीन के बारे में, तो आपको पूरा इस तरह से नहीं मिला, क्योंकि आपके बीच में देखेगा तो नेपाल और भूटान भी है। इसलिए आपको सिर्फ अरुणाचल प्रदेश का ही क्षेत्र को हम एक मोहन रेखा कहते हैं। अब अभी भी आप देखेंगे कि चीन इस पर कब्जा करने के लिए सोचता है, क्योंकि उसको लगता है कि चीन हमारा, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश हमारा भाग है। क्योंकि जब ये समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच, तो ये 1914 में हुआ था, और इसमें हमारे देश पर ब्रिटेन का अधिकार था। तो चीन बोलता है कि ये हमारे ब्रिटेन के द्वारा समझौता किया गया था, इसलिए मानता नहीं है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न। हमारा 7वां प्रश्न है, भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोग देखिएगा तो इसका आंसर मिल जाएगा आप लोग का, बी, जलोढ़। अगर जलोढ़ का हम बात करें भारत में विस्तार इसका, तो हमारा भारत है, आप देखेंगे तो ये पूरा क्षेत्र हमारा मृदा मैदानी क्षेत्र है। इसे हम उत्तर भारत का विशाल मैदान बोलते हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान। और मृदा इस मैदान का जो निर्माण हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के कुछ नदियाँ इस तरह से बहती हुई आती है, तो मृदा का निर्माण करती है। और ये पूरी मृदा के निर्माण में आपको सबसे ज़्यादा हिमालय नदियाँ का योगदान है। आप मृदा निर्माण के बारे में देखेंगे तो जैविक, अजैविक और पेड़ पौधे से ही हुआ है। एक परत हिमालय मृदा का निर्माण में आपको लगभग हजारों वर्ष लग जाता है। और मृदा का प्रभावित करने वाला कारक में अगर आप देखेंगे तो आपको ऊंचा वच समय और मूल पदार्थ, ये सब आपको मिलेगा। यहाँ तक कि आप जलवायु भी मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो हम देखते हैं जलोढ़ मृदा का क्षेत्रफल देखेंगे पूरे भारत में, तो आपका इसका हो जाता है 42% पर ना आपको जलोढ़ मृदा मिलेगा। और जलोढ़ मृदा दो प्रकार का होता है, एक इसको आप देखेंगे तो एक बागर होता है और एक खादर होता है। बागर हम लोग उस मृदा को बोलते हैं जो, जैसे आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में हमारे गंगा नदी बहता है, गंगा नदी के हर साल गंगा नदी या जितने भी हिमालय नदियाँ उसमें बाढ़ आती है, और बाढ़ आती है तो ये
मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, और जब ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वहाँ पर भी पानी कुछ दिन लगती है, और जो अपने साथ दलदली मृदा लाती है इस क्षेत्र में छोड़ देती है, और इस क्षेत्र में जब छोड़ती है तो मैदान का निर्माण होता है जैसे मृदा का। तो हमारे अगर मानिए कि हम अभी हमारे अभी 2023 चल रहा है, अगर 2021 में जो मृदा लाया गया था तो उसे हम बोल सकते हैं कि बागर मृदा था, क्योंकि ये 2 साल पुराना हो गया। और उसके बाद जो ये वाला क्षेत्र जो है, मान लीजिए हमारा खादर का क्षेत्र है, ये न्यू मृदा होता है। जैसे इसे हम बोल सकते हैं कि 2022 में जो हमारे बिहार या भारत में बाढ़ आया था, जो उसके द्वारा मृदा लाया गया था, तो ये हमारा हो जाता है खादर मृदा। ये हमारे नवीन मृदा है, और इसे हम पुराने मृदा बोलते हैं, पुराने जलोढ़ बोलते हैं, और इसे नई जलोढ़ बोलते हैं। ये तो हमारा मृदा हो गया दो भाग। अब हम देखते हैं कि इस ये मृदा में कौन कौन सी फसल होती है। तो इसमें सबसे प्रमुख फसल देखिएगा तो धान होती है, फिर गेहूँ है। इस मृदा में अगर हम देखेंगे कि क्या कौन सी तत्व का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, तो आप देखेंगे तो पोटास हो जाता है और फास्फोरस हो जाता है, साथ में चूना कार्बनिक पदार्थ भी इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसमें प्रचुरता लोग ज़्यादा मिलता है। अगर कमी में देखिएगा तो जलोढ़ मृदा में तत्व कमी में तो नाइट्रोजन का कमी होता है और ह्यूमस का कमी होता है। ये सारी मृदा इसमें कमी होता है, जलोढ़ मृदा में दो चीज़ों की कमी होता है। और आप अगर कभी सर्वे पढ़े होंगे तो कुछ साल पहले अमेरिका का एक सर्वे आया था जिसमें बोला गया था कि भारत के जो जलोढ़ मृदा है बहुत ही उपजाऊ मृदा है, ये उर्वरक से भरा हुआ मृदा है। और हमारे भारत में भारत सरकार के वेबसाइट पर आपको 8 प्रकार के मृदा मिलेगा, जिसमें आप एक देख सकती है काली मृदा है, लेटराइड मृदा है, शुष्क मृदा, इसे हम आप लोग मरुस्थलीय मृदा भी बोल सकते हैं। अगर आप पांचवा देखिएगा तो पर्वतीय मृदा हो जाता है, छठा देखिएगा तो आप लोग का लाल मृदा है, सातवा देखिएगा तो आप लोग का लवणीय मृदा मिल जाएगा, इसे हम क्षारीय मृदा ही बोलते हैं, और आठवा देखिएगा तो दलदलीय मृदा है, इसे हम लोग अम्लीय मृदा ही बोलते हैं। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार ना जलोढ़ मृदा का है। जलोढ़ मृदा का अगर विस्तार की बात करें तो हमारे पूर्वी घाट पर भी इसका मिलेगा क्षेत्र में विस्तार। और आप लेटराइट मृदा के बारे में बात करेगा तो आपको इस क्षेत्र में मिलेगा पश्चिमी घाट के केरल कर्नाटक और कुछ भाग आपको मेघालय में भी देखने को मिलेगा लेटराइट मृदा। ये हमारा सातवां प्रश्न हो गया। अब आठवां प्रश्न देखते हैं। हमारा आठवां प्रश्न है लक्षद्वीप टापू स्थित है, तो इसको आंसर आप देखिएगा तो आंसर में इसका होता है दक्षिण पश्चिम, इसका ऑप्शन में आपको मिल जाएगा ये। हम देखते हैं कि हमारा ये लक्षद्वीप स्थित कहाँ है। ये हमारा भारत हो गया, ये हमारा अरब सागर हो गया, पेन भी नहीं चलता है। ये अरब सागर हो गया, अरब सागर में आप देखेंगे तो यहाँ आपको लक्षद्वीप मिलेगा। और लक्षद्वीप की अगर बात करें तो ये लगभग इसका क्षेत्रफल लगभग 92 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इस पर अगर मानव का या फिर बोले स्थलीय क्षेत्र है जो आपको लगभग मिल जाएगा 92,000 हो गई, लगभग 32 किलोमीटर पर ये जो है स्थलीय क्षेत्र है, बाकी जो भी लक्षद्वीप का क्षेत्र है वो जलीय क्षेत्र में ही है। अगर इसका हम बात करें तो इसमें इसका कुल द्वीपों की संख्या लक्षद्वीप का हम बात करें तो 36 है, 36 द्वीप पर से सिर्फ 10 द्वीप ऐसा है जहाँ पर मानव निवास करते हैं।
और लक्षद्वीप और मीनिकॉय को अलग करने वाला देखेंगे तो आपको 9 डिग्री चैनल जो है मीनिकॉय को अलग करता है, 9 डिग्री चैनल। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो 8 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप का जो भाग मीनिकॉय है उसको और मालदीव से अलग करता है। ये हमारा हो गया 8 डिग्री चैनल, देख सकते हैं। और हमारा ये मालदीव हो गया, मालदीव देश जो है इसको अलग करता है 8 डिग्री चैनल जो है मीनिकॉय और मालदीव को। अगर आप लक्षद्वीप की बात करेंगे तो इसका उच्च न्यायालय आपको केरल, इसका उच्च न्यायालय आपको केरल में मिलेगा। केरल का ही उच्च न्यायालय है जो लक्षद्वीप के सारे मामले को भी देखता है। ये हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। और अगर हम और मैं द्वीप की बात करें तो हमारा एक द्वीप यहाँ पश्चिमी घाट के बगल में ही आपको अरब सागर में मिलेगा, जिसे हम साल्टा द्वीप बोलते हैं। और साल्टा द्वीप पर ही आपको मुंबई शहर स्थित मिलेगा। मुंबई और थाने भी यहीं स्थित है। साल्टा द्वीप के बारे में बात करें तो ये अरब सागर के सबसे बड़े द्वीप है। और शहर स्थिति में बात करेंगे तो माल्टा द्वीप पर जो शहर स्थित है मुंबई सबसे बड़ा स्थित है। ऐसे तो आपको सबसे बड़ा द्वीप बंगाल की खाड़ी में निकोबार मिलेगा, लेकिन अगर शहर स्थित में बात करें सबसे बड़े द्वीप में तो आपको साल्टा मिलेगा। और साल्टा द्वीप के बगल में आपको एक एलिफेंट द्वीप मिलेगा, यहाँ पर एलिफेंट द्वीप है। ये तो हमारा हो गया लक्षद्वीप के बारे में। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन सी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर आप लोग को सतलज नदी हो जाएगा। अगर सतलज नदी की बात करें हम तो आप देखेंगे कि हमारा इस टाइप से इस क्षेत्र वाला मैप है, ये हमारा इस टाइप से मैप है। और इस क्षेत्र में हम आपको बताए थे कैलाश का पर्वत है, और कैलाश पर्वत जो है ट्रांस हिमालय का भाग है और ये तिब्बत में स्थित है। अगर इस कैलाश पर्वत के दक्षिण में आइएगा तो आपको मानसरोवर झील मिलेगा। यह मानसरोवर झील हो जाता है। और मानसरोवर झील के पास एक राक्षस ताल है। राक्षस ताल से ही हमारा सतलज नदी निकलता है। और ये तिब्बत से होते हुए देखेंगे तो आपको पे भारत का हिमाचल प्रदेश में एक सिपकिला दर्रा है, यहाँ से भारत में प्रवेश करती है। और इसकी अगर लंबाई के सतलज नदी की लंबाई के बात करते हैं तो इसका लंबाई 1450 किलोमीटर है। और ये उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी है। और अगर इसको बोले अगर सिंधु नदी के सहायक में तो ये भी सबसे लंबी नदी है, लेकिन ये सिंधु में डायरेक्ट आन के नहीं मिलती है। ये कुछ दूर आप यहाँ से आते हुए आता है तो इसमें एक ब्यास नदी मिलती है। और जब ब्यास नदी मिलती है तो यहाँ पर एक हरेके बराज का बांध बनाया जाता है। और हरेके बराज से आपको भारत के सबसे लंबी जो नहर है जिसे हम बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी ये भारत की सबसे लंबी नदी है, यहीं से निकलती है। और इंदिरा गांधी नदी है जिससे राजस्थान के सूखा क्षेत्र में वर्तमान में देखेगा तो बहुत कृषि किया जा रहा है। और ये अगर आप सतलज नदी के बारे में बात करते हैं तो इस पर भाखड़ा नगल बांध है। भाखड़ा नगल बांध है या परियोजना बोल सकते हैं। और सतलज नदी में जब ब्यास नदी मिलता है अगर देखेंगे आप तो उत्तर भारत के एक ऐसा ही नदी है जो भारत में ही निकलता है। और इसे भारत में ही इसका भारत तक ही विस्तार है, भारत से बाहर नहीं है। आन के मिल जाता है सतलज में। और सतलज को बोले तो चेनाब इस तरह से निकलते हुए पंजाब के क्षेत्र से होते हैं और पंजाब और पाकिस्तान के क्षेत्र को सीमा निर्धारित करते हुए आगे आके चेनाब नदी में मिल जाती है।
और चेनाब नदी सिंधु नदी के सहायक नदी है। और रावी नदी का बात करें तो ये भी हमारे हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है, और रावी नदी भी चेनाब में आन के मिल जाती है, चेनाब का सहायक नदी है। ये हमारा हो गया नवा प्रश्न। हम दसवा प्रश्न देखते हैं। हमारा दसवा प्रश्न है, बिहार के किस नदी को अपवित्र नदी के रूप में जाना जाता है? अगर इसका आप आंसर देखेंगे तो क्रमनाशा हो जाता है। क्रमनाशा अगर आप देखेंगे तो हमारा बिहार का मैप इस टाइप से, हमारा बिहार का मैप है तो क्रमनाशा आपको ये कैमूर से निकलता है, कैमूर से निकलता है। और ये अब देखेंगे तो मध्य से हमारा गंगा नदी प्रवाहित होती है, और ये गंगा नदी हो गया। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 445 किलोमीटर है। क्रमनाशा नदी की अगर लंबाई की बात करें तो 192 किलोमीटर है, और ये बिहार और यूपी में बस सीमा बनाती हुई बहती है नदी। और अगर इसकी ये यूपी और बिहार के सीमा निर्धारित करते हुए आती है, और ये गंगा नदी में मिल जाती है, और ये गंगा नदी में बक्सर में चौसा के पास ही मिल जाती है, और इसे हम इसको बोला जाता है अपवित्र नदी। अगर हम आपको पुनपुन के बात करें तो ये पुनपुन नदी भी एक निकलती है झारखंड के पलामू से निकलते हुए ये बिहार में प्रवेश करती है, और ये रोहतास जिला और औरंगाबाद जिला सॉरी एक मिनट ये पुनपुन नदी औरंगाबाद जिला में बहती है, और ये आन के आपको कान दानापुर के पास गंगा में मिल जाती है फतुहा के पास। ये बहुत बार बीपीएससी में पूछा है कि फतुहा के पास कौन सी नदी गंगा में मिलती है, तो इसका आंसर आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिला होगा पुनपुन। अगर सोन के बात करें तो ये अमर कटक से निकलती है, अमर कटक जो है मध्य प्रदेश में है, और यहाँ से निकलते हुए यूपी और बिहार के साथ आते हुए ये सोन के बात करेंगे तो ये आपको रोहतास और औरंगाबाद की सीमा बनाते हुए आती है, और ये भी आके गंगा में मिल जाती है। और कोसी ये जो है यही हिमालय नदियाँ है। बाकी ये तीन नदी की बात करें तो ये आपको ये बोले तो बरसाती नदी है, वर्षा होता है तो ये तीनों नदी में आपको जल की मात्रा अधिक मिलेगी, जैसे ही बरसात खत्म होता है तो आपको जल की मात्रा कम हो जाती है। और अगर आप इसका कोसी का बात करिएगा तो ये हिमालय नदी है, और ये नेपाल के महाभारत की श्रेणी से निकलती है, और ये इसमें सात नदियों की धाराएँ मिलकर एक कोसी नदी का निर्माण करती है, और ये आके बिहार में खगड़िया के पास गंगा में मिलती है। खगड़िया के पास आपको ये गंगा नदी में मिलती है, और इसे बिहार का शोक भी बोला जाता है, क्योंकि जब ये हिमालय से निकल के आती है तो हिमालय के आते हुए क्षेत्र में इसके पास जितने भी गाद या मलवा मिलती है वो लेते आती है, और जब लेते आती है तो एक किनारा पर कहें तो या इसके बीच में जम जाता है। जब इसके बीच में जम जाता है तो अपने जल के प्रवाह के लिए दूसरे रास्ता ढूंढ लेता है, तो इसी तरह से इसका बिहार का शोक कहा जाता है, और ये हमेशा बाढ़ बहुत ही लाती है बिहार में। तो हमारा आज का प्रश्न 10 को हो गया, बाकी प्रश्न हम आपको कल के सीरीज में कराएंगे। थैंक यू।